एटा में कासगंज मार्ग पर श्रद्धालुओं से भरी बोलेरो पलट गई। बता दें कि जनपद कासगंज के सोरो कछला घाट से गंगा स्नान कर श्रद्धालु मध्य प्रदेश लौट रहे थे, जो एटा कासगंज रोड पर बोलेरो पलटने से लगभग 9 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। फतेहपुर में बीजेपी पार्टी कार्यालय में बीजेपी जिलाध्यक्ष की दबंगई देखने को मिली, जहां पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा सपा नेता को पार्टी में शामिल करने को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे और उसी का कवरेज कर रहे कुछ पत्रकारों का मोबाइल फोन छीनकर जबरन ये वीडियो डिलीट करा दिया गया। सभा के भाता मंडल से कुछ कार्यकर्ता पदाधिकारी आए थे, किसी व्यक्ति विशेष की ज्वाइनिंग को लेकर के उन लोगों का विरोध था, जिसको जिला संगठन ने संज्ञान में लिया है और उनको आश्वस्त किया है कि आप लोगों की जो समस्याएं हैं, जो बातें हैं, उनको पार्टी के ऊपर पहुंचा करके और समाधान किया जाएगा। कार्यकर्ताओं के मान सम्मान को ध्यान में रख करके यदि कहीं कुछ गलत हुआ है तो उसको सुधार करने का प्रयास किया। किनको शामिल कराया गया था? धाता के पूर्व ब्लॉक प्रमुख हैं वर्तमान में राजू सिंह, जिनको पार्टी के लोग शामिल कराने पर विरोध। किस पार्टी से थे ये? ये समाजवादी पार्टी में थे और अभी MLC चुनाव के मद्देनज़र शायद किन परिस्थितियों में इनको शामिल कराया गया मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन वहाँ के जो वर्तमान पदाधिकारी हैं, मंडल अध्यक्ष, सेक्टर मंडल के पदाधिकारी, इन सारे लोगों ने सामूहिक आकर के हमारे जिला संगठन से बात की है। जिला संगठन ने उन्हें आश्वस्त किया है। हमारा विरोध यहाँ था, जो इन्होंने अभी सदस्यता दिलाई है भाजपा में, ये सपा के बहुत बड़े माफिया हैं, बहुत बड़े चोर हैं, बहुत बड़े उचक्के हैं, इनके ऊपर कई ठो केस लगे हुए हैं। किस कारण बस इन्हों को शामिल कराया गया हम तो यही नहीं समझ पाए हैं। इसी का विरोध में हम यहाँ मुख्यालय आए हुए हैं और जिलाध्यक्ष जी से बात की है। क्या मांग आप लोगों की है? हमारी मांग ये है कि इनको बाहर किया जाए, शामिल यदि कराना है तो जब इनका चुनाव आए तो चुनाव के पहले शामिल कराया जाए। इसके पहले कोई शामिल की बात नहीं है। कितने नचनिया गवनिया हैं, कितना चोर उचक्का हैं, जो उन्हें कहीं शामिल कराया गया। कौन शामिल करा रहा है? अरे भैया, शामिल का यही तो करावट है, उनको दूसर को कराई का भैया? जो भी यहाँ करा रहे हैं जिला के, जो भी पदाधिकारी वही तो ज्वाइनिंग कराएंगे। अगर जिलाध्यक्ष जी से मिलने आए थे, थोड़ा कुछ कार्यकर्ताओं की समस्याएं थी तो उसके विषय में जिलाध्यक्ष जी से हमने बातचीत किया। उन्होंने कहा कि मैं कार्यकर्ता के साथ हूँ, उनकी सारी समस्याओं को मैं निदान कर दूंगा। नहीं, समस्या किस प्रकार की समस्या थी आप लोगों को? समस्या थोड़ा ये थी कि कुछ अराजक तत्व शामिल होने वाले थे, शायद शामिल हुए हैं पता ही चला। तो हम ये सोचते हैं कि हमारी पार्टी जो कहती है कि गुंडा माफियाओं से मुक्त रहने चाहिए, तो जो आ रहा शामिल होने के लिए वो व्यक्ति हिस्ट्री सीटर हैं, केस भी चल रहे हैं उनके ऊपर, मर्डर का है, जमानत पे है वो इस समय फील्ड में, उनकी मिसेज ब्लॉक प्रमुख है, वो अभी हमारा विधानसभा में विरोध किए थे। हापुड़ में बदमाश लगातार व्यापारियों को अपना निशाना बना रहे हैं, जहां बाइक सवार तीन बदमाशों ने अब हापुड़ की इंद्रलो कॉलोनी में एक व्यापारी पर फायरिंग कर दी, साथ ही दिनदहाड़े लाखों की लूट को अंजाम दिया। इस दौरान व्यापारी को गोली लग गई जिससे वो घायल हो गया। मौके पर मौजूदा लोगों ने व्यापारी को अस्पताल में भर्ती कराया। हापुड़ देहात थाना क्षेत्र में इंद्रलोक कॉलोनी में एक किराना स्टोर है, उस पे तीन बदमाश आए हैं और जो वहाँ पे सुशील गर्ग थे उनके गले से वो पैसा छीन के लेके गए हैं और भागते हुए उन्होंने फायर किया, जिससे उनके पैर में, बाएं पैर में इंजरी हुई है और जो व्यापारी हैं वो आउट ऑफ डेंजर हैं और जो इसमें अभियुक्त इन्वॉल्व हैं उनके गिरफ्तारी के लिए टीम गठित की गई है, शीघ्र ही हम उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित करेंगे। हरदोई में न्यायालय परिसर से एक कैदी दो पुलिसकर्मियों को चकमा देकर फरार हो गए। दरअसल कैदी न्यायालय में रिमांड के लिए लाया गया था। कैदी के फरार होने की सूचना के बाद हरियावा थाने में तैनात दोनों सिपाहियों और कैदी के विरुद्ध थाने के उपनिरीक्षक ने FIR दर्ज कराई। थाना हरियावा से एक मुलजिम धारा 25 आर्मसेट और चोरी के अभियोग में आया था न्यायालय में। उसको पेश करने के लिए दो कांस्टेबल लेके आए थे, उनकी लापरवाही से वो भागने में भाग गया कचहरी से, जिसकी तलाश जारी है और मुकदमा लिख गया है आरक्षियों के विरुद्ध
कार्रवाई की जा रही है। हरदोई के मल्लावा कोतवाली इलाके में एक युवती को घर से ले जाकर उसकी हत्या कर दी गई। उसका शव गांव के बाहर पड़ा मिला। पिता ने गांव के ही एक युवक पर हत्या करने का आरोप लगाया। पुलिस शव को कब्जे में लेकर आरोपी की तलाश कर रही है। थाना मल्लावा क्षेत्र का मामला है, ग्राम मल्हानपुर में रामलाल, इन्होंने एक पुलिस को सूचना दी है कि इनकी बेटी और पत्नी बच्चे सब रात में सोए हुए थे और गांव का राजू जो कि परिचित है वो ले जा कर के इनकी बेटी को उसकी हत्या कर दी और लाश को घर से 50 मीटर जहां पे गाय इत्यादि नहती है वहां पर उसकी बॉडी पड़ी है। इस सूचना पर पुलिस ने तत्काल जो है पहुँच करके छानबीन शुरू कर दी है। उचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। पंचायतनामा पोस्टमार्टम कार्रवाई की जा रही है। 3 टीमें लगाई गई हैं। शीघ्र ही अभियुक्त को गिरफ्तार करके जेल भेजा जाएगा। क्या ये हत्या है या अन्य किलिंग की संभावना भी हो सकती है? सभी पहलुओं की जांच की जा रही है, जो भी होगा आपको बताएं। गोरखपुर हमले में गहराया सस्पेंस खुलने वाला है, जहां मुर्चा के टेरर बुक मुर्तजा बासी का नाता जौनपुर से भी रहा है। बता दें कि जौनपुर में एटीएस इस मामले में पूछताछ कर रही है। दरअसल जौनपुर शहर के तारापुर कॉलोनी में 2019 में मुर्तजा की शादी शादमा नाम की महिला से हुई थी। मथुरा में यमुना मिशन के तहत अवैध अतिक्रमण हटाने के लिए नगर निगम ने नोटिस जारी किया है, तो वहीं अगर 7 अप्रैल तक अतिक्रमण नहीं हटाया गया तो यमुना मिशन पर कार्रवाई की जाएगी। प्रयागराज के सराय इनायत थाना क्षेत्र के पालिकनपुर गांव में रात गोलियों की आवाज से दहल गया। ताबड़तोड़ हुई फायरिंग में एक युवक घायल हो गया, जहां परिजन घायल को अस्पताल ले गए जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। फिलहाल पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है। पुलिस ने विदेश भागने की कोशिश कर रही दहशत पीड़न के एक आरोपी को दिल्ली एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लिया। आरोपी महिला हेल्पलाइन में भी हाजिर नहीं हो रहा था। एसएसपी ने पुलिस कार्यालय में पत्रकार वार्ता में बताया कि रोधपुर की एक महिला ने सारणपुर निवासी पति के खिलाफ 24 फरवरी को तहरीर दी थी। तब घर से भगा के इनको मायके पर, मायके तक भी नहीं छोड़ा, घर से वैसे ही बाहर भगा दिया ससुराल वाले से। तो ये जो श्रीमती कुलदीप कौर है वो अपने मायके में आके रह रही थी और लगातार वो परस्यू कर रही थी अपने पति के साथ फिर से घर बसाने का। लेकिन जब आखिरी में नहीं हुआ तो वो ट्रांजिट कैंप थाने में आई और उसके बाद महिला हेल्पलाइन में आया। महिला हेल्पलाइन से हमने उसको महिला हेल्पलाइन की काउंसिलिंग के लिए हमने जो फाइल शुरू किया तो केस स्टार्ट किया था ना। देन ये जो है काउंसिलिंग के लिए 5 मार्च को बुलाया गया, तब भी नहीं आए। तो ये बार बार जाती रही महिला वहाँ पे, कुलदीप जो है अपने ससुराल में जाके हर जगह पे ये प्लीड करती रही कि हमें वापस होना है करके। बट इनके द्वारा ये बोला गया कि मैं तो फॉरेन चला जाऊँगा, आप मतलब ऐसा वैसा करके बोला गया। तो सूचना भी मिल गई इनको और इनके परिवार द्वारा भी बताया गया उस पीड़ित महिला को कि आप कुछ नहीं कर सकते हैं क्योंकि हम अपने बेटे को फॉरेन भेज। सहारनपुर में अखिल भारतीय हिंदू महासभा की जिला कार्यकारिणी की घोषणा करने आए अखिल भारतीय हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि काशी विश्वनाथ मंदिर प्रतिक्रमण को जल्द मुक्त कराएंगे। महासभा की जिला कार्यकारिणी की घोषणा करनी है, उसी घोषणा के लिए यहाँ पर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है। जो जिलाध्यक्ष नियुक्त किया गया है वो है श्री विनीत शर्मा जी। विनीत शर्मा जी आपके सामने खड़े हैं, इनको जिलाध्यक्ष अखिल भारत हिंदू महासभा सहारनपुर जिला नियुक्त किया गया। आप पूर्व में शिवसेना के जिलाध्यक्ष रहे हैं, बड़े कर्मठ राष्ट्रवादी हिंदूवादी कार्यकर्ता हैं और इनके नेतृत्व में इसलिए यहां पर कार्यकारिणी गठित की गई है कि इस क्षेत्र में अखिल भारत हिंदू महासभा के सिद्धांतों को जन जन तक पहुँचाया जाए और अखंड हिंदू राष्ट्र के निर्माण में जो सहारनपुर की जनता है उसको एकत्रित किया जाए, संगठित किया जाए और अखिल भारत हिंदू महासभा का जो प्रयास है अखंड हिंदू राष्ट्र का, हिंदी हिंदू और हिंदुस्तान के विकास का, वो श्री विनीत शर्मा जी के नेतृत्व में सहारनपुर जिला में उसमें तेजी लाए जाए। इसके साथ साथ 2 और घोषणाएँ हैं। श्री दुष्यंत राणा जी एडवोकेट हैं, उनको वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है।